नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको कुछ लास्ट वीडियोस से डिफरेंट ग्रहों की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतरदशा के फल बता रहा हूं, आजकल जो चल रहा है लास्ट के दो तीन क्लासेस से वो राहु की महादशा में विभिन्न ग्रहों के अंतरदशा के फल कैसे मिलते हैं वो बता रहा हूँ। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा का फल कैसा होता है। राहोर अंतर्गते सौम्य भाग्य व स्वरक्ष के अपी वा तुंगे व केंद्र राशिस्थे पुत्रो वा बल गे अपीवा राजयोगम प्रकुरते ग्रहे कल्याण वर्धनम व्यापारेन धन प्राप्तिर विद्या वाहन उत्तमम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि राहोर अंतर्गते यानी राहु की दशा के अंतर्गत सौम्य, सौम्य मीन्स बुध, बुध की अंतरदशा हो और बुध भाग्य व स्वर्ग गे अपीवा भाग्य भाव में बैठा हो, नवम भाव में स्थित हो व स्व राशि में हो व तुंगे, तुंगे मीन्स उच्च राशि में हो, केंद्र राशि स्थे केंद्र राशि में हो, केंद्रस्थ हो अथवा पुत्रो व बल गे अपी वा अथवा पंचम भाव में स्थित हो। तो ये राहु की महादशा हो और बुध कहाँ कहाँ हो, भाग्य भाव में हो, स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, केंद्र भाव में हो, पुत्र भाव में हो, तो क्या होता है? राजयोगम प्रकुरते, राजयोगम प्रकुरते ग्रहे कल्याण वर्धनम व्यापारेन धन प्राप्तिर विद्या नमुत्तम विवाहोत्सव कार्याणि चतुष्पा जीव लाभ करते सौम्या से मह सौख्यम स्वारे राजदर्शनम। इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना चाहते हैं अगर ऐसी दशा होगी या इस तरीके से राहु बुध की पोजिशन होगी तो घर में शुभ महोत्सव होंगे, पशुओं से लाभ होगा, बुध की महादशा में परम सुख की प्राप्ति होगी, परम धन की प्राप्ति होगी, धन विद्या सब चीज आपको प्राप्ति होंगी इसके अंदर। और राजा दर्शनम मीन्स कि आपको राजा की कृपा मिलेगी, जहां भी आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, आपको वहां पे प्रमोशन मिलेगा, ये सब चीजें मिलेगा। स्त्री सौख्यम यानी स्त्री का सुख आपको मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा और धन लाभ आपको बहुत होगा। ये बताया गया है कि राहु की महादशा हो और उसमें बुध की अंतरदशा हो और बुध भाग्य भाव में बैठा, बुध भाग्य भाव में हो या बुध पंचम भाव में हो या बुध केंद्र में हो, स्व राशि का हो या उच्च राशि का हो, तो घर में शुभ महोत्सव, व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा धन लाभ, उत्तम वाहन मिलते हैं, उत्तम वाहन मिलते हैं, विवाह होता है, पशुओं से लाभ होता है, बुध के माह में परम सुख, बुधवार को राज दर्शन, सुगंधित शैया, स्त्री सुख, मान सम्मान तथा राष्ट्र कृपा से धन लाभ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है महाराज प्रसादेन धन लाभो महदश दायशात केंद्र लाभे व दुश्चित के भाग्य कर्म के देहारोग्यम हृदयोत्साह इष्ट सिद्धि सुखावह पुण्य श्लोकादि कीर्तश्च पुराण श्रवणादिकम। क्या बोलते हैं ये? ये कहते हैं बुद्ध यदि महादशा स्वामी से कहाँ हो, दायशात केंद्र लाभे व दुश्चिक्य भाग्य कर्म के, यानी महादशा स्वामी से एकादश भाव में हो, तृतीय भाव में हो अथवा त्रिकोण में स्थित हो। बुद्ध राहु की महादशा चल रही है और बुद्ध की अंतरदशा चल रही है और बुद्ध यदि महादशा स्वामी से यानी राहु से एकादश भाव में हो, तीसरे भाव में हो, केंद्र में या त्रिकोण में हो, तो बुद्ध की अंतरदशा में देहारोग्यम हिदुस्साह यानी जो भी आरोग्य मिलता है, देह में कोई रोग है, आपको कोई बीमारी है, हेल्थ में कोई इश्यूज हैं, तो वो सब चीजें खत्म होती हैं, हर्ष मिलता है, इष्ट सिद्धि जो भी सिद्धि आप करना चाहते हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें उसके अंदर आपको सिद्धि मिलती है, सुखावह सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पुण्य श्लोक आदि पुण्य श्लोकों की प्राप्ति होती है, पुराण श्रवणादिकम और ऐसे में अगर पुराण आदि का श्रवण करते हैं तो उससे आपका बहुत सम्मान होता है, आपकी दया, आपके धर्म का दया का अभ्युदय होता है। तो ये आपको देखना है कि बुद्ध यदि महादशा स्वामी से एकादश भाव में हो, तृतीय भाव में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, तो वो बुद्ध की अंतरदशा में आपको आरोग्य होगा, हर्ष होगा, जो भी सिद्धि आप करना चाहते हैं वो सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा और आपका धर्म एवं दया के प्रति रुझान होगा। इसके विपरीत वो बोलते हैं कि विवाहो यज्ञ दीक्षा चय धान धर्मादि देयकम षष्ठा अष्टम व्यये सौम्ये मंदनापि युक्तिते, यानी विवाहो यज्ञ दीक्षा, ये क्या बोलते हैं? चय दान धर्म दयादिकम षष्ठा अष्टम व्यये, यानी कि बुद्ध यदि छठे आठवें और बारहवें भाव में हो, षष्ठा अष्टम व्यय षष्ठ में आठवें में और व्यय भाव, बुद्ध सौम्य, बुद्ध यदि छठे आठवें बारहवें भाव में हो, मंदे नापी युक्तेक्षति
मंदे नापी मीन्स मंदे बोलते हैं शनि को, शनि के साथ युत हो या द्रष्ट हो। बुध यदि त्रिक भाव में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में हो, शनि के साथ युत या द्रष्ट हो, पाप ग्रह युक्त हो तो क्या होता है? या दायशात षष्ठरी फेवा रंध्रे व पाप संयुक्त, यानी पाप ग्रह से संयुक्त हो, दायशात षष्ठरी यानी महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हो तब क्या होगा? देखिए दो चीज यहां पर है, एक तो बुध लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हो, शनि से युत या द्रष्ट हो या पाप ग्रह से संयुक्त हो, ये इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि बुध यदि महादशा स्वामी से, यानी महादशा किसकी चल रही है? राहु की। तो महादशा स्वामी से यदि छठे आठवें बारहवें भाव में स्थित है तो देव एवं ब्राह्मणों की निंदा, देव ब्राह्मण निंदा च भोग्य भाग विवर्जित है, भाग्य हानि होती है, सत्यहीनस्य सत्य की हानि होती है, दुर्बुद्धि प्राप्त होती है, नृप पीड़नम राजा से पीड़ा होती है, यानी आप जहां भी सर्विस करते हैं, जहां भी जॉब करते हैं, आपको वहां पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अकस्मात कलहश्चव है, अकस्मात ही आपके जीवन में कलह का अवतरण हो सकता है, गुरु पुत्रादि नाशनम पुत्र वगैरह का संतान की हानि हो सकती है, अर्थ व्यय धन की हानि हो सकती है, राजकोपो राजा का कोप मिल सकता है, दार पुत्रादि पीड़नम, दार मीन्स पत्नी और पुत्र को पीड़ा हो सकती है। तो ऐसे फल प्राप्त होते हैं यदि बुध लगन से छठे आठवें बारहवें भाव में हो, शनि से युत या द्रष्ट हो, पाप ग्रह युत हो, अथवा महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में हो, तो देव एवं ब्राह्मणों की निंदा, भाग्य हानि, सत्यहीनता, दुर्बुद्धि, राजा से पीड़ा, अकस्मात कल है, गुरु पुत्रादि का नाश, अपव्यय राजकोप तथा पति संतान की पीड़ा जैसे फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है कि दो भाव हमारे मारक भाव होते हैं, दूसरा भाव और सातवां भाव। उसके बारे में कहा है कि द्वितीय दिन नाते तू निम्बे मृत्यु भवन भवे तदो दोष परिहार्तम विष्णु सहस्त्रमं जपेत। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि बुध यदि लग्न से द्वितीय या सप्तमेश हो, अब ये बुध अगर सेकंड लॉर्ड हो या सातवें भाव का स्वामी हो, क्योंकि दूसरा भाव और सातवां भाव मारक भाव होता है, तो इन्होंने कहा है कि बुध यदि सातवें भाव का स्वामी हो या दूसरे भाव का स्वामी हो तो अब मृत्यु का भय रहता है उसकी दशा, तो उसके अनिष्ट निवारण के लिए इन्होंने बोला है, ऋषि ने बोला कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे ऐसी दशा में तो आपकी दशा बहुत ही आराम से पार हो जाएगी और बिना किसी कष्ट के आप सब चीजों को पार करेंगे। तो ये आप चीज ध्यान रखिए कि बुध यदि आपके लग्न से द्वितीय या सप्तमेश है और वो उसकी दशा चल रही है तो उस दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए, वो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, पढ़ा जितना बताया है मैंने आपको। कोई चीज आपको दिक्कत हो तो कभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर डिस्कस करके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण, नमस्कार।